हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास क्रिएटिविटी एंड रेसिपी। आज मैं आपको भरवा करेले की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। ये रेसिपी मेरी मम्मी की है और मैंने उनसे ही सीखा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं लगते, और इन्हें बनाकर आप 15 से 20 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इसके लिए मैंने 4 से 5 करेले, ये मेरे 1 पाव करेले हैं करीब, इनको मैंने हल्का सा छील लिया है। छीलने के बाद इसमें चीरा लगाकर इसके बीज निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद आप इन बीजों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो हमें इन बीजों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं बीजों में हम एक प्याज ले लेंगे। प्याज के बाद हम इसमें 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल देंगे। इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। जी हाँ, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें करीब 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और मिर्ची इसमें मिला सकते हैं। अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल लेंगे, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप इसमें। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है और करीब 1 से 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। अब ये मसाला पीसने के लिए हमारे पास रेडी हो गया है। इस मसाले को हम मिक्सी में पीसेंगे। इसके लिए हम इसको सबसे पहले एक जार में ट्रांसफ़र करते हैं। जब इस मसालों को आप पीसेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल मत मिलाइएगा, ये ऐसे ही पीस जाता है। और इसको एकदम बारीक नहीं पीसना है, हमें हल्का सा दरदरा रखना है। ये देखिए, ये मसाला रेडी हो गया है, मैंने पीस लिया है बिना पानी मिलाए। अब इस मसाले को हम भूंजेंगे। मसाले को भूंजने के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाएंगे। सरसों का तेल में ही मैं इसे बनाती हूँ क्योंकि सरसों के तेल में स्वाद अच्छा आता है। बस ये है कि सरसों के तेल को थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, जब इसमें से धुआं उठने लगे तब आप मानिए कि गर्म हो गया है, नहीं तो कच्चेपन का स्वाद आता है। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए, आप चाहे तो इसे दूसरे तेल में भी बना सकते हैं। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। जीरा जब तड़कने लग जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमने जो मसाले पीस कर रेडी किए हैं, उन मसालों को हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी करेले की एक रेसिपी बताई थी, उसको छोटे वाले करेलों की थी जिसे आपको गोल गोल काट के और डीप फ्राई करना था, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप उसको भी देखिएगा मेरे चैनल पे वाली रेसिपी, वो भी बिल्कुल खाने में कड़वे नहीं लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई में मसाला भूनने से ही होता है कि मसाला चिपकता नहीं है नीचे। अगर आप एल्युमिनियम की या दूसरी कढ़ाई में करेंगे तो नीचे से वो चिपकेगा। मेरा ये फ्राई पैन थोड़ा पुराना हो गया है और फिर भी इसमें मसाला मेरा चिपकता नहीं है। जब ये मसाला हल्का सा भून जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, और जो करेलों की अगर थोड़ी बहुत कड़वाहट भी होती है उसके बीजों की भी, तो वो निकल जाती है। जब मसाला भूंज रहा है तब मैं दूसरी तरफ एक कढ़ाई रख ली है, उसमें 1/2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और जो करेले मैंने छील के रखे थे 4 से 5 करेले, उनको मैं इसमें उबलने के लिए रख दूँगी। करेलों को ज़्यादा नहीं उबालना है, आप 4 से 5 मिनट ही इन करेले को उबालेंगे। अब इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगेगा तब हम इसको बंद कर देंगे। तब तक मेरा यहाँ पे ये मसाला भी भूंज कर रेडी हो गया है और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये मेरे करेलों में बॉईल आ गया है। अब मैं इस गैस को बंद कर दूँगी और इन करेलों को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। करेलों को थोड़ा खड़ा करके रखिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी है तो वो निकल जाता है। अब ये करेले मेरे सूख चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, और मसाला भी मेरा ठंडा हो चुका है। अब इन करेलों को हम करेले में हम इस फिलिंग को भर देंगे। इसके लिए हमें एक धागे की ज़रूरत भी पड़ेगी इसको बांधने के लिए, ताकि इसका मसाला तलते समय निकले नहीं बाहर। तो आप कोशिश करिएगा कि सफ़ेद कलर का ही धागा लीजिएगा। अगर आप दूसरे कलर का लेते हैं तो उसका कलर तेल में छूटने का डर है, इसलिए हम वाइट कलर का ही धागा लेते हैं। ये मैंने करेलों में फिलिंग कर दी है, करेले भर के रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम धागे से बांध देंगे। तो धागे को आप डबल करिएगा और करीब 1 हाथ के बराबर आप उसको तोड़ लीजिएगा डबल करके, और इसको धागे में ऐसे करेले को लपेट दीजिएगा। इससे इसका मुंह नहीं खुलता है और मसाला बाहर नहीं आता है। मैंने सारे करेले बांध लिए हैं। अब हम इसे तलेंगे।
इसे डीप फ्राई नहीं करना है, ये थोड़े से तेल में ही भुन जाते हैं। जैसे मैंने ये देखिए नॉन स्टिक पैन में सरसों का तेल ही डाला है। जब ये तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब उसके बाद हम इसमें एक एक करके करेलों को डाल देंगे। तेल मेरा देखिए हो गया है गर्म, धुआं उठने लगा है। अब इसमें हम करेलों को डाल देंगे। मेरे थोड़े से ही करेले हैं तो एक ही बार में आ गए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसे दो बार में भी तल सकते हैं। और इसे धीमी आँच पर आप ढक कर पका देंगे और बीच बीच में आप इसे चिमटे की मदद से, किसी चम्मच की मदद से पलटते जाइए ताकि ये चारों तरफ से सेक जाएं। ये देखिए ये करेले मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। और जब आप इसको खाते हैं, मतलब जब भी आप इसे खाएंगे, तो इसका धागा बस ऐसे हाथ से, क्योंकि हम इसमें गठान नहीं बांधते हैं, तो आप इसे ऐसे निकाल लीजिए और इसे खाइए। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।